नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में एक बार फिर से शीतलहर का रिटर्न देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने कहा कि दिल्ली सहित उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में इस तरह भीषण शीतलहर का प्रकोप जारी रहने की संभावना बताई है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में एक बार फिर से शीतलहर का रिटर्न देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने कहा कि दिल्ली सहित उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भीषण शीतलहर का प्रकोप जारी रहने की संभावना है। कोहरे के कारण उत्तर रेलवे क्षेत्र में 13 ट्रेनें देरी से चल रही है। IMD ने अगले 5 दिनों के लिए देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में घने कोहरे और कम दृश्यता की भविष्यवाणी की है। गौरतलब है कि दिल्ली में कपकपाने वाली सर्दी हो रही है। कश्मीर की ठंड महसूस कर चुके लोगों को दिल्ली में तो घाटी जैसी सर्दी झेलनी पड़ रही है। उनको हाथों पैरों में गलन महसूस हो रही है। आसमान साफ हो चुका है और कोहरा नहीं है, पर शीतलहर अगले 2 दिन और परेशान करने वाली है। तो उधर बात करें उत्तर पश्चिम भारत की, तो राजस्थान का फतेहपुर सबसे ठंडा रहा है। यहाँ न्यूनतम तापमान 0 से 4.7 डिग्री सेल्सियस नीचे आ गया। पंजाब के फरीदकोट में तापमान -1 डिग्री सेल्सियस रहा है। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम मध्य प्रदेश में शीतलहर चल रही है और इसके चलते सर्दी बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 17 और 18 जनवरी को भारत के उत्तरी पश्चिमी और मध्य इलाके में तापमान करीब 2 डिग्री सेल्सियस गिर सकता है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में शीतलहर चलती रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ इलाकों में बर्फ जमने की भी आशंका है। बिहार की राजधानी पटना में धूप हो रही है, जिससे ठंड से थोड़ी राहत है और अगले 3 दिन कड़ाके की ठंड हो सकती है। न्यूनतम तापमान में 4 से 6 डिग्री की गिरावट देखी जा सकती है। MP की राजधानी भोपाल में भी धूप खिली हुई है, हल्की ठंड महसूस हो रही है और तापमान 9 डिग्री के आसपास है। झारखंड में भी धूप हो रही है और दिन में थोड़ी राहत है। राजस्थान में शीतलहर का प्रकोप जारी है। फतेहपुर और चुरू सबसे ठंडे स्थान बने हुए हैं। जयपुर में धूप खिली हुई है लेकिन ठंडक बरकरार है। कश्मीर में ज्यादातर जगहों पर रात का तापमान 0 से नीचे दर्ज किया जा रहा है। 18 जनवरी तक जम्मू कश्मीर में मौसम शुष्क रहेगा और रात के तापमान में और भी कमी आ जाएगी। पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर को 19 से 25 जनवरी तक प्रभावित कर सकता है, जिसे 23 से 24 जनवरी के बीच बारिश या बर्फबारी की संभावना है। कश्मीर इस समय चिल्लई कला की चपेट में है, जिसमें सबसे कठोर मौसम अवधि की आशंका होती है। इस दौरान बर्फबारी की संभावना होती है। चिल्लई कला की शुरुआत 21 दिसंबर से हुई और ये 30 जनवरी को खत्म होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। हमारे इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।